नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नकली राम है ये मेरा नाम। सर कहाँ से हैं आप? गांव डाडा पट्टी जिला हरिद्वार से हूँ भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में ली। सर आपने बताया कि आप उत्तराखंड हरिद्वार से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? पहले मैं धनधन स्वरूप में रहा जी 7 साल। सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना कैसे हुआ? इसका कारण ये रहा सर, मेरा पैर टूट गया था ट्रैक्टर में, पलट गया था उसमें पैर जो टूट गया। मैं रुड़की भी फिर आप अस्पताल में सबने मना कर दिया, कहें ये पैर तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तो एक डॉक्टर सहगल है मिलिट्री रिटायर, उसने कहा कि मैं देखूँगा इसको कल को। तो उसने कहा देखता के कहेंगे भाई पैर तो कटेगा तुम्हारा ये। तो घर वाले नाराज हुए, कहेंगे भाई काटो ना, देख बाद में देख लियो, जो कटेगा भी तो क्या पता भगवान जोड़ ही दे इसको। तो मैं जोड़ तो दूंगा मैं, पर गारंटी कोई नहीं लेने का। तो उसने कहा कि 55,000 रुपये लूंगा, पर गारंटी मेरी कोई नहीं होगी। तो भगत जी उन्होंने मेरा पैर जोड़ा, राड लगा दी इसमें, कहने का भाई जिस दिन भी इसमें पंचर हो गया उसी दिन ये पैर तुम्हारा कटेगा। तो सर प्लास्टर होकर मैं घर चला गया। एक रिश्तेदार मेरा पहले इससे बरवाला गुरु जी से संत रामपाल महाराज से जुड़ा हुआ था, वो तो कहने का भगत जी अब तो तुम बेकार हो गए, तुम हमारे साथ चलो, अरे क्या अब तो तुम्हारा कल्याण वही हो जा। मैंने भाई मैंने तो ले रखा नाम, धंधन से जुड़ा हुआ था मैं, तो गुरु जी तो मैंने बना रखा, कहा चलो फिर हमारे साथ तो चलो था मैं। तो ले गए मुझे बस सर जी परवाला आश्रम में चले गए, फ्रेश हुए, वहाँ भंडारा लिया, भंडारा ले कर फिर 3 घंटे का सत्संग था वो भी देखा। कहने लगे नाम ले लो जी, मतलब भाई नाम तो मैंने ले रखा, धंधन से जुड़ा हुआ था मैं, कहे जी गुरु जी से बात नहीं होने के बिना नाम लियो। तो मैंने कहा मगा भाई चलो भाई नाम ले लो, गुरु जी से बात तो हो ही जाएगी कम से कम। तो वहां से सर जी मैंने नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो बहुत ही, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि 5-7 बीघे जमीन थी उसमें खाने के ही लाले थे बहुत। 2009 के और 2021 के बीच बीच में परमात्मा ने मुझको इतने लाभ दिए, 45-46 कमरे बनवा दिए मेरे, किराए पे चल रहे सर जी, पैसे की कोई कमी नहीं, चारों तरफ से घंटा खोल रखा परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने, किसी किस्म की कमी नहीं है, चारों तरफ वाह वाह हो रही परमात्मा की तरफ से, स्थिति मेरी इतनी अच्छी हुई। फिलहाल जब मैं सत्संग सुन के सत्संग खत्म हो गया तो भगत जी कहने लगे जी वो ये लाइन कैसी लगी है? कहेंगे परमात्मा दर्शन देंगे और वहाँ, मगर भगत जी मेरे को तो बैठ खड़ा नहीं हुआ जाने का, कहेंगे तुम्हें आगे खड़ा कर देंगे। तो उन्होंने वो रक्षा से उठा के मुझे गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के सामने। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरा शरीर तो बहुत हल्का हुआ और मैं ऐसे ही बैठ गया। गुरु जी आशीर्वाद दे के चले गए संत रामपाल जी महाराज जी, तो ऐसे ही दूर चले गए, दूर तो फिर वापस आए, कहें भगत जी पैर देख रहे अपना? मैं तो बोला कुछ नहीं, मैं नया आदमी था, मेरे से बोला ही नहीं। गुरु जी कहने लगे तुम्हारा पैर ऐसा हो जाएगा जैसा बचपन में था। तो सर जी मेरा पैर आज भी ऐसा है, बिल्कुल 15-20 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, जबकि डॉक्टर ने काटने की सलाह दे दी थी, संत रामपाल महाराज की कृपा से मेरा पैर भी बच गया। फिर जब मैं दूसरे नंबर पर आश्रम में गया तो वहां जब मेरा पैर सूज गया और सूजने के बाद में फिर पंचर हो गया, इसमें रात चलती रही, दिन रात को मैं रुई सर साफ करता रहा और उसमें कचरे में डालता रहा। विजयपाल भगत जी कहा मगा जी मुझे घर लेके चलो, पैर तो मेरा खराब हो गया। तो घर लेके चले आए, घर में बताया भाई अरविंद ये तो पैर खराब हो गया जी, तो डॉक्टर कह रहा था ये तो वही होगा काम। कहा क्या करे? हम कहा ये तो ऐसे ऐसे है, इसमें तो पंचर हो रहा। डॉक्टर के लेके चले गए सहारनपुर, डॉक्टर कहने लगा भाई मैंने तो तुम्हें पहले बताया था ये कामयाब नहीं होने का तुम्हारा पैर, अब ऊपर से कटेगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी कि इसका एक्सरे लेकर देख लो। जैसे ही एक्सरे लिया डॉक्टर ने तो इस पैर की हड्डी पूरी उपाई भगत जी, तो जिसमें 4 अंगा गैप था वो पूरा हो गया। तो
डॉक्टर कहने लगे अंकल जी तुमने क्या खाया? मगर भाई मैंने बकरे के पाव तो पिए नहीं ना, अंडे खाए मैंने। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में गया था मैं, उनकी आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। तो सर जी आज इस समय पैदल 10-15 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूँ, पैर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात मेरे साथ में ये चमत्कार हुआ कि हमारे पड़ोस में 2 मर्डर हो गए थे, उन मर्डर में हमारे बेटे का नाम दे दिया था उन्होंने, नामजदगी को लिखवा दी थी। तो पुलिस खींच फिरे गई, पूछताछ भी, कहें वो बताओ ताऊ जी कैसे मारे हैं तुमने, कैसे मारे? मगर जी मुझे तो पता ही नहीं है कैसे मारे हैं। तो फिर हमें आश्रम में जाना था, दरोगा कहा मगर जी मैं और कहीं नहीं मिलने का, आपको आश्रम में मिलूंगा, कभी तुम मुझे घर ढूंढो, कहें हमारे बिना पूछो कहीं ना जाना, मगर मैं वहीं मिलूंगा आपको। तो मैं आश्रम में चला गया, गुरु से प्रार्थना करी, मगर गुरु जी ऐसी ऐसी कहानी है, बेटे का नाम मर्डर में लिखवा रखा, 2 मर्डर हुए गए। कहें भगत जी यदि तुमने कर रखा तो बचते नहीं हो, यदि नहीं कर रखा तुम्हारे साथ में परमात्मा है, परमात्मा दया करेंगे। मगर जी दया कबू करेंगे, हड्डियों में मतलब शरीर में तो हड्डी काटने को फिर रही, पुलिस घुस भरने को तैयार हो रही। कहें भक्ति कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने का, यदि आपने कुछ करा नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, परमात्मा तुम्हारी साथ है। तो सर जी मैं उस बात को लेकर घर आ गया, पुलिस मुझे लेकर जाओ थी, पूछे थी, फिर छोड़ देती। तो फिर ट्रक भर के गांव से फिर DIG के पास में गया, कहने के इसका तो कोई भी नहीं कुछ पकड़ रही, गांव वालों को पकड़ कर छेद रही, जिसका नाम भी नहीं उसे पकड़ कर छेद रही। तो वहां जाकर DIG के पास में गए, कहें कहाँ से आए भाई? अभी अड्डा पट्टी से आए हम। लड़की को भाजपा की कोई नेता थी उस टाइम, तो उसने कहा जी हमने जिस आदमी ने हमारे ताऊ और ताई को मारा है उसका हमने नाम भी लिखवा रखा, पर पुलिस उसको कुछ भी नहीं कह रही। कहने लगे किसकी बात कर रही? तो नकिल राम की बात कर रही क्या? तो जी हाँ वो नकिल राम की बात कर रही, नकिल राम के घर में तो व्यवस्था हुआ जो तुम्हारे एरिया में भी नहीं है। तो वे कहने लगे जी पैसे यहाँ भी दे रखे उन्होंने, ये तो उसी के पक्ष में बोल रही है। तो 4 साल के बाद में सर जी वो मुकदमा उन्होंने अपने आप ही वापस लिया, क्यों उनका नाम आ रहा था लड़के के और उसकी घरवाली का हाथ था उस मर्डर में। तो उसमें भी कामयाबी थी परमात्मा ने, संत रामपाली महाराज की दया से उसमें भी हम कामयाब मिली, बहुत बढ़िया ही। और पहले मैं नशा भी करता था, दारू पीता था, वो अब वो दारू भी नहीं पीता, वो दारू भी छूट गई मेरी। हर किस्म तक बहुत बढ़िया लाभ दे रखे परमात्मा, चारों से सुख का जीवन जी रहे, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत कमजोर थी जी, अब तो जी एरिया में पूरा काम चला रखा है, हर आदमी पूछता है। बेटे के साथ में सुबह 8-10 आदमी घर पर आ जाते हैं कि भाई ये हमारा काम कराओ, ये काम कराओ, पहले में कोई पूछता ही नहीं था। अब तो वो स्थिति है जो परमात्मा ने चारों तरफ से नाम दे रखा है। सर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संत जो चाहे वो कर सकता है अगर वो सच्चा संत है, ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ भी देखने को मिली। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आपका पैर टूट गया था, डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और रिपोर्ट कराने गए तो आपका पैर जुड़ा हुआ था, डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ परमात्मा की दया से कि जैसे मेरे लाभ दे रखे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसे उनको भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर और अब पुण्य कमाए, और आपको भी ऐसे ही लाभ होंगे जैसे मुझे लाभ हुए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर TV पे प्रोग्राम आता है 7:30 शाम को, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, जिस जिले में जिस भी एरिया का जो बीमार है वो उस पर नाम नंबर लिख कर मोबाइल नंबर देख कर उसे अपना पता कर सकता है, नजदीक के नामदान केंद्र पर जहाँ का भी होगा वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।